मऊ जिले में सभी 9 ब्लॉकों को ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने जिला प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। बीते एक वर्ष से विकास कार्य न होने से नाराज होकर आगामी 10 जुलाई से क्षेत्र पंचायत कार्यालयों का ताला बंद कर धरना पर अनिश्चितकालीन बैठने का अल्टीमेटम ज्ञापन के माध्यम से डीएम को दिया है। ज्ञापन देते समय कलेक्ट्रेट में ब्लॉक प्रमुखों के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने बताया कि विगत एक वर्ष से क्षेत्र पंचायत द्वारा जनहित में कराए जाने वाले विकास कार्यों की वित्तीय स्फीति की अनदेखी करके क्षेत्र पंचायतों को अधिकार विहीन करने की साजिश लगातार की जा रही है, जिससे पूरे जनपद में क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के प्रति क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा निरंतर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे कार्यों की स्वीकृति सोमवार तक नहीं हुई तो जनपद के हर ब्लॉक मुख्यालय पर ताला बंद कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जिला अधिकारी प्रकाश बिंदु ने बताया कि इनके मांग पर गौर कर शासन के निर्देश अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। में एक वाराणसी जनपद का बताया जा रहा है तो जबकि शेष अन्य दो का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौजूदगी में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। लगातार पिछले एक वर्षों से क्षेत्र पंचायतों की अनदेखी हो रही है। क्षेत्र पंचायतों में किसी न कोई बहाना करके लगातार कार्यों की रुकावट होती जा रही है, जिसके कारण क्षेत्र पंचायतों में भारी अविश्वास है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग ने आज जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की है कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, जो भारत के संविधान ने भारत के सरकार ने जो प्रमुखों को जो त्रिस्तरीय जो सुविधाएं दी है, कम से कम हमें वो मौलिक सुविधाएं दी जाए। उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने मनरेगा योजना, जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंदर हिंदुस्तान में सबसे अधिक रोजगार देने का काम किया जाता है, आज मऊ जनपद पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत कहीं भी काम दिया ही नहीं जा रहा है। पूरे डीएम है, सीडीओ है, ये नियम होता है कि इसके अंतर्गत इन्होंने लोगों को स्वीकृति देने होता है। साल भर से पूरे क्षेत्र पंचायतों में 9 ब्लॉक में इन लोगों ने 1 रुपए की स्वीकृति नहीं दी है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? सीधा है, इनकी कुंठित मानसिकता है। ये लोग चाहते हैं कि मऊ जनपद में जो ब्लॉक प्रमुख लोग हैं वो लोग कार्य न करा पाए और आम जनमानस में हंसी के पात्र बने। इसीलिए आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के साथ साथ ये अल्टीमेटम भी दिया है कि बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, सहने की एक क्षमता होती है। अगर सारे प्रमुख लोग 9 महीने से साल भर से हम लोग सह रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग दबे हुए हैं। हम लोग के साथ हर ब्लॉक में 1.5 से 2 लाख लोगों की निगाहें हम लोग पे बनी हुई हैं। आज पूरा जनपद आज यहाँ खड़ा है कि अगर हमारी मांगे ये लोग नहीं मानेंगे तो मंगलवार को मऊ जिले में जितने भी ब्लॉक मुख्यालय हैं, सारे प्रमुख, सारे क्षेत्र पंचायत के साथ ही पूरे लोगों के साथ उन ब्लॉकों पे ताला लगाने का काम करेंगे और जब तक हम लोग की मांग स्वीकृत नहीं की जाएगी अनिश्चितकालीन ब्लॉकों को हम लोग बंद किया जाएगा। तो क्षेत्र पंचायत प्रमुख गण हैं, उनके द्वारा ये दिया गया है कि लोग नरेगा में काम कराना चाहते हैं क्योंकि उनको राज्य वित्त और 14वां वित्त में इन्हें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि काम हो, अगर इसमें इनके द्वारा नियम के अंतर्गत दिया जाएगा अपने इनका प्रस्ताव तो इस पर विचार करेंगे। और अभी मुख्य जोर जल संरक्षण पर है और मृदा संरक्षण पर है, शौचालय निर्माण, साफ सफाई, अगर इससे रिलेटेड होगा तो हम लोग इस पर काम करते हैं।